जाने आखिर कौन है राहुल जिसने बर्बाद की वैशाली की जिंदगी। धीरे धीरे वैशाली टक्कर की जिंदगी के अनजान पहलुओं के बारे में पुलिस पता लगा रही है। एक्ट्रेस के पर्सनल सामान में मिली डायरी की वजह से पता चल रहा है कि राहुल नवलानी नाम का एक शख्स है जो उन्हें पिछले कई सालों से परेशान कर रहा था। वैशाली परेशान थी। वैशाली ने अपने इंदौर स्थित घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। उनके शव के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। इस नोट के जरिए एक्ट्रेस की मौत की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को मदद मिली है। धीरे धीरे वैशाली टक्कर की जिंदगी के अनजान पहलुओं के बारे में पुलिस पता लगा रही है। एक्ट्रेस के पर्सनल सामान में मिली डायरी की वजह से पता चल पाया है कि राहुल नवलानी नाम का लड़का उन्हें पिछले कई सालों से परेशान कर रहा था। और वैशाली के भाई निदेश टक्कर ने मीडिया को बताया कि आखिर राहुल कौन है। उन्होंने कहा है कि राहुल और उनके पिता का प्लाईवुड का बिजनेस है, दोनों होलसेल का काम करते हैं। उनकी दुकान का नाम शिव शंकर प्लाईवुड है। इसके अलावा वो राहुल लेमनर्स नाम से भी फर्म चलाता है। राहुल और वैशाली के पिता दोस्त हैं। राहुल कभी कॉलेज नहीं गया और पिछले 10 से 12 सालों से वो वैशाली के सोसाइटी में रह रहा था। नीरज ने आगे बताया, राहुल वैशाली को 2-2.5 साल से परेशान कर रहा था, हमारी कॉलोनी में रहता था, दोनों साथ में जिम करते थे। वैशाली ने बताया कि राहुल उन्हें परेशान कर रहा था। हमने इस बारे में बात भी की थी। हमने सोचा था कि परेशानी तो हम आपसे बात करके सुलझा लेंगे, वो तो बस पड़ोसी ही हैं, पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है, ये लोग कहीं घूमने गए होंगे। तो वैशाली के फोटो के नाम से वो धमकाता रहा था, कहता था कि तेरी फोटो सबको दिखा दूंगा, मैं तेरा घर नहीं बसने दूंगा, तेरी शादी नहीं होने दूंगा। अपने काम को खत्म कर वैशाली इंदौर शादी के लिए आई थी, उनके शादी की ही तैयारियां चल रही थी। राहुल इस बीच उन्हें तंग करने लगा था और आखिर वैशाली ने ये कदम उठाया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ ही नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।